दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉटरी स्टोर, सबकी लॉटरी लगेगी, द डोर नागचला फोर लेन पर, शनिदेव मंदिर के सामने। बीजेपी हिमाचल प्रदेश त्रिदेव सम्मेलन मंडी संसदीय क्षेत्र का आयोजन जवाहर पार्क सुंदरनगर में किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश खन्ना विशेष रूप से मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने स्वागत संबोधन किया और त्रिदेव सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सेवा, सुशासन और संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब सबका प्रयास के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्य अतिथि जी को भेंट करें, धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, हिमाचल सरकार में जल शक्ति मंत्री आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी से कि वे हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना जी को पुष्पगुच्छ देकर टोपी मफलर पहनाकर इनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है खन्ना जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। अब मेरा निवेदन रहेगा, हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी से कि वे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को पुष्पगुच्छ देकर टोपी मफलर पहनाकर इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री आदर के योग्य गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी को पुष्पगुच्छ देकर टोपी मफलर पहनाकर इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, माता की। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप ठाकुर जी से कि वे हिमाचल सरकार में जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी को टोपी मफलर व पुष्पगुच्छ देकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। मेरा जय राणा जी से निवेदन के कृपया अभी जल्दी से जल्दी मंच पे आ जाएं। और जिनके कारण आज सब हम इकट्ठे हुए हैं, जिनके कारण गजेंद्र जी जहां आए हैं, उन सभी त्रिदेव को मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि हमें गर्व है आप पर। योजना बनी, नीचे तक पहुंची, धीरे 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 करते हुए जहां एक बूथ पर एक अध्यक्ष होता था, वहां बूथ का पालक भी मिला, वहां VLA भी मिला, और उसके आगे बढ़ते हुए हम अब एक पन्ने का पन्ना प्रमुख, फिर देखा पन्ना प्रमुख हिमाचल ने बना लिया है, फिर आगे बढ़े, अब पन्ना कमेटियां बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, उसका सारा श्रेय आप सब लोगों को जाता है। जहां जहां बूथ अध्यक्ष और जितने BLA हैं और बूथ पालक हैं, हमारे त्रिदेव हैं, वो एक्टिवली काम करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य देती है वो 100% जो है वो पूरा होता है। आज का सम्मेलन, जितने लोगों की सूची तैयार थी, आज उतने लोग, उतने कार्यकर्ता इस पंडाल में बैठे हैं, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी कामयाबी है संगठन की कि जिनको बुलाया, जिनको जिम्मेवारी दी, वो आज जहां पर बैठे हैं। मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आप इन सबका चित्र लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ की ताकत क्या है वो जहां से दिखाई देती है। प्रदेश है, क्यों? क्योंकि इस गरीब प्रदेश के बच्चे जो है वो ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए ये प्रदेश गरीब है।
तो मैंने कहा यार तेरी अकल घास सरने गई है क्या। ये प्रदेश की एजुकेशन व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोग गर्व महसूस करते हैं कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े, और आप बार बार वादा कर लोगों को दिखाते हैं कि मैं दिल्ली का मॉडल आपको देना चाहता हूं। आज हिमाचल का मॉडल ऐसा है जिसको सारा देश फॉलो करना चाहता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सरकार। पंजाब में उन्होंने वादा किया था सस्ती बिजली देने का, वो वादा तो नहीं किया पूरा, वो वादा नहीं पूरा किया, बहुत बहाने बनाए, लेकिन एक काम कर दिया कि उन्हें शराब है वो जरूर सस्ती कर दी। जो प्रदेश ऑलरेडी नशे के लिए जूझ रहा है, नौजवान नशे के लिए जूझ रहा है, उस प्रदेश को और नशा देकर उसने जो काम किया है, क्या आप लोग चाहते हैं हिमाचल के कि वो दिल्ली का फेल मॉडल हिमाचल, पंजाब का फेल मॉडल हिमाचल में भी लागू हो? जब भी वो आए एक प्रश्न जरूर पूछना कि एक ऐसा काम पंजाब में बता दो जो आपने जनता के हित में किया। रोज तीन तीन मर्डर हो रहे हैं वहां पर। मैं अमृतसर में था कल, तो वहां पर एक ही दिन में तीन मर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वहां पर। आओ, हमारी पार्टी हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। इस कार्यक्रम में हमारे आज के इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष शिमला से लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी भी विराजमान है। आपका भी इस मंडी संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मंच पर विराजमान हिमाचल सरकार में जल शक्ति मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, हिमाचल सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी भी मंच पर विराजमान है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय शेखावत जी, हमारा यह मंडी संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन, 17 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। आज 16 विधानसभा क्षेत्रों के हमारे त्रिदेव प्रमुख कार्यकर्ता, जिनके कारण 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और 2022 में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा प्रमुख कार्यकर्ता आज हमारे बीच में उपस्थित है। भाइयों बहनों, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज आप राजस्थान के जोधपुर से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों दायित्व आपने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अनेकों दायित्व आपने पार्टी में निभाए हैं। वर्तमान में आप भारत सरकार में, मोदी जी की सरकार में जल शक्ति मंत्री के रूप में देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। आज इस त्रिदेव सम्मेलन में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारे लिए अतिथि जो है वो देवता के समान है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच पर विराजमान नेतृत्व से, कृपया करके दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, आदरणीय शेखावत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, तीनों मंत्रीगण, कृपया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। भारत माता की, पीछे से आवाज नहीं आ रही है, पीछे जो हमारे सम्मानीय त्रिदेव बैठे हैं उनसे निवेदन, कृपया जोर से उद्घोष करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वंदे।
लॉटरी स्टोर, यहाँ सबकी लॉटरी लगेगी। 20-80% डिस्काउंट। अगर आपको चाहिए रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस, ब्रांडेड क्लोथ्स, शूज, गिटार, फर्नीचर, गद्दे, कंबल, बेडशीट या घर के इस्तेमाल का कोई भी सामान, तो चले आइए द लॉटरी स्टोर, डडोर नागचला 4 लेन पर, शनिदेव मंदिर के सामने। ऑनलाइन से भी सस्ता सामान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6280000904।